हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं ईजन वेक्टर और ईजन वैल्यू का क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बार बार बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया है समझाने के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो है ना, इसके ज़रिए ही हम ये पूरा जो क्वेश्चन है सोल्व करेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, ए माइनस लैम्डा आई का। अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट दिया होगा ना, गिवन मैट्रिक्स मतलब 3 बाई 3 का दिया, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम यूज़ करेंगे 3 बाई 3 का। उसको क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा देंगे और माइनस करवा देंगे ए से। तो करते हैं, तो देखते हैं उससे आएगा क्या हमारे पास। तो जब ये इसके साथ माइनस होगा ए माइनस लैम्डा आई, तो देखें लैम्डा वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी माइनस, बाकी सब रहा जो मैट्रिक्स है वो सेम ही रहेगा। 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ये सारा हो गया माइनस लैम्डा के साथ। बाकी जो तो ज़ीरो है वही एज यूजल जो हमारा मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, 2 2 1 1। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसका क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम खोल देंगे मैट्रिक्स को पूरे को। तो इसका अब हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 3 माइनस लैम्डा। उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो इसके साथ क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 4 3 12, 12 आ गया ये, तो 4 3 12 आ गया। उसके बाद क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा के साथ, ठीक है। फिर आगे इसकी बारी आ गई लैम्डा की, ये आ गया 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और ये आ गया 2 माइनस। पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस के साथ इसके साथ। तो ये आएगा, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 2 लैम्डा और इसने इसके साथ माइनस 2। तो नेक्स्ट वैल्यू की बारी आ गई, नेक्स्ट वैल्यू आएगी प्लस के साथ, तो हमारी आएगी 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जब हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बनती है इक्वेशन, कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ करके दिखा देता हूँ। ये हमारी बन जाएगी, देखें ये हो जाएगा 7, 7 के बाद ये इसके अंदर सारी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारी है ना, ये बनेगी तकरीबन 30 माइनस 31 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 0, जो कि हमने कहा हुआ है कि हमारी ये सारा क्या है, इक्वल टू 0 है। तो ये लास्ट पे हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा क्यूब, ये लैम्डा क्यूब आ गया अलग, ठीक है। लैम्डा क्यूब लिख दिया खाली, माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब आ गया। उसके बाद क्या आ गया, हमारी वैल्यूज जो हम बाकी लिख लेंगे प्लस माइनस करके, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 28 लैम्डा प्लस 24। अब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, उधर जाके -1 डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 28 लैम्डा माइनस 24, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब जो क्यूबिक इक्वेशन है वो हमें सोल्व करना क्या है, मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करना करेंगे छोटी इक्वेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या है, हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ, 1 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 ही आ जाएगा, 10 प्लस 20 के साथ ये आ जाएगा 28 माइनस 24। तो 1 पुट करने से जो मेरी इक्वेशन है ये करीब करीब भी सोल्व नहीं हो रही, 0 को इक्वल नहीं आ रही। अगर 2 पुट करके देखते हैं, 8 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 4 और ये 20 हो गया, प्लस ये हो गया 2 2 2 2 और 28, तो ये देखें जब हमने पुट किया 2 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर आपको नहीं है तो आप कैलकुलेशन करके देख लें। देखें 24 के अंदर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 40 50 60, और ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके अंदर से, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब जो 2 है
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो इसका क्या है रूट है। तो टू के ज़रिए अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं और इसका जो है और जो रूट्स हैं और भी हैं वो क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं तो देख लेते हैं वो। अब सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के जो कोफिशेंट है उन्हें ऐसे लिख दूंगा, पहला वन है ठीक है, अगला मेरा है माइनस टेन है, उससे अगला है मेरा 28 और फिर है मेरे पास माइनस 24। तो मेरा जो रूट निकला है इसका पहला वो निकला है टू, ये वन फर्स्ट वन है ये ऐसे ही आ जाएगा ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ तो ये आ जाएगा टू यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया मेरे पास माइनस 8। अब 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टू के साथ तो ये मेरे क्या आ जाएगा 16, ये आ जाएगा माइनस 16। तो माइनस 16 को अगर हम करते हैं इसके साथ 28 में से माइनस 16 निकाल लें तो मेरे पास क्या आता है ये 400, ये आ जाएगा मेरे पास 12, क्या आएगा 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24, तो उससे क्या आ जाएगा ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरी नई इक्वेशन बन गई है 1 λ² - 8λ + 12 = 0 ठीक है। अब इसकी मैं कर सकता हूँ फैक्टराइजेशन इजीली क्योंकि ये करना काफ़ी आसान है बनस्पत क्यूबिक इक्वेशन के। तो चलें अब इसके मैं करता हूँ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अब जमा करें तो मेरे पास आए 8 मल्टीप्लाई करें तो आए 4 12, तो इसका बन जाएगा λ² - 4 3 12 और 4 4 3 12 और ये मेरा आ गया है 6 2। 6 2 से अगर मैं करूँ तो ठीक है -6λ - 2λ, तो प्लस करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरी फैक्टराइजेशन सही बन गया। करते हैं लैम्डा कॉमन आ गया λ - 6, -2 कॉमन आ गया λ - 6 यहाँ पे आ गया, तो ये मेरे पास आ गया λ - 6 λ - 2 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और 6, 2 तो मैंने पहले भी सेटिस्फाई करके देख लिया, ये इसके निकला है रूट। तो इसका मतलब हमारी इजन वैल्यू आ गई हमारे पास, अपना इजन वैल्यू आ गई है 2 और 6। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमने कहा गया था इजन वैल्यू फाइंड करें। अब हमने क्या निकालना है इससे इजन वेक्टर। तो इजन वेक्टर कैसे निकलते हैं, इस जो वैल्यू है ना इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं इस के अंदर, और उससे क्या निकलता है हमारा एक बन जाएगा नया मैट्रिक्स जिसको हम सोल्व कर करके क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, तो हल करना स्टार्ट करते हैं। अब 2 और 6 को पुट करना है इसके अंदर, तो मेरा 2 को पुट करने से क्या बनेगा मैट्रिक्स, 2 पुट किया 3 - 2 = 1, 4 - 2 ठीक है ये 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया। तो ये अब मैं बाकी वैल्यूज वैसे ही लिख दूंगा, तो एक मेरा मैट्रिक्स आ गया λ2 पे। अब 6 पे आ गया, 6 पे देखते हैं क्या बनता है, 6 पे मेरा बन रहा है, अब 6 पे पुट करता हूँ जब मैं, तो 3 - 6 - 3, इधर भी -3 आ गया, तो 4 - 6 - 2, तो ये आ गया मेरी चीज़ें बाकी वैसे ही। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा वेक्टर्स जो है। तो अब देखें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करने से देखें हमारे पास क्या आ गया, एक और मैट्रिक्स बन गया है। तो अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इजन वैल्यू हमने पुट कर दी है, इजन वेक्टर निकालने हैं। इजन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितने पॉसिबल हमसे ज़ीरो बनते हैं ना बन जाए। सबसे पहले हम किसी एक रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखें कैसे सबसे ईजीली मेरा क्या बन जाएगी यहाँ पर, वो जो है रो वो है ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं अगर R1 के अंदर R2 को प्लस करूँ तो एक तो ये सिंपल हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा R1 मेरी क्या हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो करते हैं देखें R1 के अंदर मैं R2 को प्लस करता हूँ तो -3 के अंदर +2 करूँगा तो आ जाएगा -1, 1 के अंदर मैं -2 को प्लस करूँगा तो आ जाएगा -1, तो 1 के अंदर अगर मैं 2 को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 3। तो उसके बाद अब ये मेरे पास आ गई, मैंने क्या किया है R1 के अंदर किया है R2 को प्लस, तो ये मेरी बाकी वैसे आ जाएगी
वन माइनस थ्री, तो अब इसके अंदर और क्या हो सकता है मेरे, इसके अंदर अगर मैं आर थ्री को ऐड कर दूं आर वन के अंदर, तो ये देखें ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। और अगर मैं 1/2 को डिवाइड कर दूं आर टू पे, तो जो मेरी ये बनेगी नेक्स्ट मैट्रिक्स, ज़ीरो 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 वन माइनस वन, वन क्योंकि टू डिवाइड हो जाएगा तो ये सिंपलीफाई हो जाएगी। अब देखें अब मेरे पास ये बन गया, अब इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, अगर मैं आर टू के अंदर आर वन को प्लस कर दूँ तो देखें क्या होगा, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा 1+1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 2, ये आ गया 4, तो ये 0 0 0 1 माइनस 1 3। अब अगर मैं -1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको आर टू को, तो ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 2, नीचे 0 0 0। अब इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करूंगा मैं, अगर मैं आर वन को आर टू से दोबारा कर दूं प्लस टू से, तो मेरा ये देखें ये भी क्या हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -1 0 और ये 2। ये देखें 1 0 और ये आ गया -1, वैसे ही तो माइनस कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 0 1 -2 वैसे ही, और ये आ गया 0 0 0। तो अब मेरी ये देखें ये क्या बन गया है, ये अब मेरा ये मैट्रिक्स बन गया, तो इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो है इक्वेशंस बना सकता हूँ, तो मैं इसके अंदर से अपनी इक्वेशंस बनाने लगा हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेंगी मेरी, -x+2z=0, और दूसरी क्या बनेगी y-2z=0। ये देखें तो ये मेरी दो बन गई इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए मैं क्या करूँगा, अपना वेव निकालूंगा, क्या वेक्टर्स निकालूंगा, वाई इज इक्वल टू आ गया है 2z और x इज इक्वल टू आ गया है, ये जब मैंने इसको प्लस किया था तो देखें यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा 3 क्रॉस किया था 1 आ गया था, तो वो मैंने गलती से 2 ही लिख दिया था, तो ये मेरे 1 आ गया, तो x क्या निकला मेरे पास, x मेरे पास आ जाएगा -z, ठीक है, x माइनस जेड मेरे पास इक्वल टू है 0, ठीक है, तो अगर मैं अपना x निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये x मेरे पास क्या आ गया, जेड आ गया, तो अब देखें एक्स ही मेरे पास आ गया जेड, वो आएगी आगे 2z, अगर मैं जेड को लेट कर लूँ, ये देखें जेड के मैं वैल्यूज़ दो लेट कर सकता हूँ, एक तो के यहाँ जेड इक्वल टू के और 1, ठीक है, तो देखें अगर मैं लिखूँ के एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू आएगी, तो एक्स की जगह मेरा है एक्स इक्वल है के है, जेड है तो जेड को मैंने कह दिया के है, वाई इक्वल टू क्या है मेरा 2z है तो आ जाएगा 2k, और z इज इक्वल टू k है, तो देखें अगर मैं k को निकाल लूँ कॉमन तो आ जाएगा 1 2 और ये 1। इसका क्या मतलब है कि जो मेरी जो k है उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 1, तो मेरे पास इसके आगे हैं वेक्टर्स एक्स वाई जेड के 1 2 और ये 1, ये मेरे क्या आगे हैं इसके एजन वेक्टर। अब ये थे लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए, और लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए मेरे ये वेक्टर हैं, अब मैं निकालूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालने स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखें ये मेरी बहुत आसान थी है, बन गया था इसका, तो इसको मुझे सोल्व करना और ज़्यादा आसान है, अगर देखें मैं इसके अंदर क्या करूँ, मैं अगर अपने आर थ्री जो है ये मेरे टू जो है आइडेंटिकल रोज, इनके इनको मैं ज़ीरो बना सकता हूँ ईजिली, हाँ जी बना सकता हूँ, तो इनको बनाते हैं ज़ीरो, तो चलें इनको ज़ीरो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ, अगर आर टू माइनस करता हूँ 2R1 से, और क्या करता हूँ आर थ्री को करता हूँ -R1 से, तो देखें तो 2R1 से अगर मैं
टू आर वन से अगर मैं आर टू को करूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरी सारी क्या बन जाएगी, वन वन वन। और अगर आर थ्री में से आर वन को माइनस करूँ तो मेरी क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो चलें बना देते हैं इसको, आर थ्री में से आर वन माइनस किया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। और देखें आर टू को टू आर वन से, आर टू को टू आर वन से, ये भी टू बन जाएगा, ये भी टू, ये भी टू। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वन वन। जो आर टू को कर रहा हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, कौन सी किसके ऊपर रिएक्शन आएगा, ज़ीरो बन जाएगी, माइनस जो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टू माइनस टू, टू माइनस टू, टू माइनस टू, ये मेरे क्या हो जाएंगे, दो रोज़ ज़ीरो बन जाएंगे। और लास्ट वाली क्या जाएगी, वन वन वन, जिसको मैं कोई ऊपर कोई भी जो है काम नहीं कर रहा। तो ये देखें ये मेरी बहुत जल्दी क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इस तरह आसान आसान भी आए थे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइ एक्स प्लस फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें इसके लिहाज से मैंने ये लिख दिया। अब इसके अंदर से मैं क्या निकालूंगा, अपने इजन वैक्टर निकालूंगा। तो मेरा एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस जेड माइनस वाई। तो सपोज मैं लेट कर लूँ, जो मेरा है वाई इज इक्वल टू है माइनस ए और जेड इज इक्वल टू है माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी। तो मेरा एक्स आ गया ए प्लस बी। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर। तो देखें मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स मेरा आ गया ए प्लस बी, वाई मेरा आ गया माइनस ए, जेड मेरा आ गया माइनस बी, ठीक है। अब ये तो मेरे आ गए। अब इसके अंदर क्या, अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखें सबसे पहले अगर मैं देखें ए के ए वाले अलग कर दें और बी वाले अलग कर दें, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस ए, और यहाँ पे ए होगा तो वहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा बी, यहाँ पे रह जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे रह जाएगा माइनस बी। देखें इनको, ये इनको जमा करेंगे तो यही बनेगा। तो मैंने अलग अलग कर लिया। अब इनमें से ए ए की वैल्यू अगर मैं कर दूँ, सपोज ए इज़ इक्वल टू वन एंड बी इज़ इक्वल टू वन, तो मेरा क्या बन जाएगा, इजन वेक्टर्स वन माइनस वन ज़ीरो, और दूसरे क्या बन जाएंगे, वन ज़ीरो माइनस वन। तो ये देखें ये मेरे क्या बन गए, इसके इजन वेक्टर लैम्डा टू इज इक्वल टू टू के लिए, ये लैम्डा टू के लिए मेरे इजन वेक्टर्स निकले हैं वन माइनस वन ज़ीरो, और उसके लिए क्या निकले हैं, वन ज़ीरो माइनस वन। और लैम्डा सिक्स के लिए क्या निकले हैं, वन टू वन। तो ये मेरी इजन वैल्यूज़ और ये मेरे क्या आ गए, इजन वेक्टर्स। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।